भाई डीजे तोड़ दिया साइकिल का। रुक जा भाई, दो मिनट रुक जा, दो मिनट यहाँ लगा ले। देखो पता नहीं क्या हुआ भाई, देख कॉल पे था, दरबार हो रही है भाई। ये बाद में पता लगा कैसे टक गई इसमें। कॉल करा रहा है लोगों से, धमकी हाँ? दे रहे। धमकी सीएसई दे रहा है? और किस बात की धमकी दे रहा है? करके मम्मी को भी बोल रहा है। क्या मतलब अब्यूज कर रहा है? हमें एक आवाज आई गाड़ी की साइकिल चढ़ाने के ऊपर, हम देखा साइकिल चढ़ी है और वो भाग गया, गाड़ी लेके भाग। आज एक बहुत अमेजिंग ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज हम आए यहाँ पर अरावली में एंड अभी गेट खुलने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज गाड़ियाँ एंटर करने नहीं दे रहे, 6 बजे एंटर करने देंगे। अच्छा, आप लोगों को पता होगा चेंजेस हुए थोड़े यहाँ पे, टिकट चार्जेस अब लगते हैं अंदर आने के। पहले यहाँ पे ऑफ रोड था, अब यहाँ पे सारा ऑन रोड हो चुका है। भाई सुबह सुबह स्नैक्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? क्या चक्कर है भाई ऊपर सर का? ये मैंने लिया था 300 रुपए का हेलमेट और 500 रुपए का खर्चा कराया भाई। ये देखो तुम ऐसे एक्शन कैमरा लेने की बात करते हैं, अफोर्डेबल रेंज में ये बंदा व्लॉगिंग करने वाला है। क्या हुआ? ऐसे क्लिप इन किया था, नया नया क्लिप लिया इसने एक्शन में, और ऐसे खड़े खड़े और स्लो मोशन में। भाई हाथ नहीं रखना था क्या जमीन पे? मैंने पकड़ा था भाई, याद है? मैं बहुत, मैं यार मेरे वो है उसके क्रैंक ब्रदर्स के, तो उसमें टेंशन की एडजस्टमेंट नहीं, पहले दिन से हार्ड हो। और एक आंटी आके बोलती बेटा ठीक हो, खड़े खड़े गिर गए। तो क्लिप करके दिखाना इसको। अच्छा इसका तो वन साइड वाला है। हाँ, ये वो वाले हैं जो मैं आपको कह रहा था ना, पीडीएफ तो करना ही नहीं सीखा मैंने। ओ काम हो जाएगा, यहाँ काम हो जाएगा। क्या हुआ था आगे, थोड़ा आगे गए, भैया घूम मारी थी क्लिप्स के साथ। और एक चीज और बताता हूँ, जिंदा कैसे है? फिर एक बारी और गिरी, क्या हुआ? मडगार्ड अटक गया, धम फिर से मडगार्ड अटक गया। वहाँ हमारा टाइम आ गया कि मैं 10-10 रुपए देने हैं एंट्री के, दिखाई क्या लेके आया ब्रो? और किसी ने बोला है 20 रुपए ये लोग है ना, मतलब हम लोग देख लो 33 किलोमीटर 23 की एवरेज से आए हैं। हाँ। लोग ये एवरेज निकालने के लिए, इससे बेटर एवरेज निकालने के लिए स्टेरॉइड्स ठोकते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है भाई। यही दिक्कत मेरे को भी बहुत दिक्कत है, दिखते ही नहीं है सोशल मीडिया में। इतना यार ये मत किया करो कि तुम कंपटीशन के नाम पे इतने स्टेरॉइड्स ठोक रहे हो, नॉर्मल तुम्हें करना है नॉर्मल करो। तुम भाई नहीं जी सकते बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं। And see now, यहाँ पे दो tracks हैं, one is this one and one is that one. तो हम लोग उस ट्रैक से जाएंगे। I'll prefer कि we should go from this side. अगर आपको ऑफ रोड करना है या कुछ देखना है तो वो पूरा ऑफ रोड टाइप ट्रैक है। अपनी पार्टी है पूरी। अभी पहले हम रोड से जाएंगे, वापसी में ऑफ रोड से आएंगे। एंड उन्होंने बताया हम नीली झील पे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले, तो वो अलग मजा आएगा। पहले ऐसा था कि जब 2 साल पहले आते थे तब पूरे ट्रेल से, वो तो मैं भी गया था तब मैं व्लॉग में, उसके बाद आप यहाँ पे गाड़ी से जा सकते हो, पर जाना मत। अगर आपने मेरे पुराने वाले व्लॉग भी देखना है भारद्वाज लेक का, तो वो भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वो भी वॉच आउट कर सकते हैं, वो भी काफी फन था। चलो रेस नहीं है तो भाई आंटी को ठोक रहा है। ओ भाई फिर से ये ऑफ रोडिंग है क्या? वो सैंड है, ग्रेवल ग्रेवल भी नहीं है तो। हाँ ग्रेवल में फिर भी पत्थर होते हैं। एक तो अलग टायर्स की यहाँ पे आवाज क्या है भाई, डरा मत यार। यही दिक्कत होती है अगर आप हाईब्रिड यूज करते हो तो स्लिप मारते हैं। यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पर साइकिल ट्रैक ही है एंड स्पेसिफिकली लोग यहाँ पे साइकिल करने आते हैं। ये क्या आ गई भाई, यहाँ तो गमले बन रहे हैं। मुझे आपसे पूछा था ये क्या लगाया हुआ है अपने हैंडल बार के ऊपर? 360 कैमरा है, तो हम सबको रिकॉर्ड कर रहा है। यस ओ नाइस, ये पूरा बॉक्स लगाया था किट, आई थिंक 50 के अराउंड था, 50,000 रुपीज। डैम इतना एक्सपेंसिव कैमरा। ओ नाइस, अब आया मजा, स्लिप ट्रैक खाली हो गया, अब पे लो। क्या हो गया? मैं हूँ भाई, डर गया। अंकल सॉरी, मैं लेफ्ट से आने वाला था, अंकल राइट आ गए। क्या हो गया? ओह नो, वो बीच में आ गया था ना बड़ा अंकल, ना मेरे बीच में आए थे वो, मैं लेफ्ट से आ रहा, अंकल राइट आ गए। गिर गया क्या? हां क्या हो गया? लगी है फर्स्ट एड चाहिए? नहीं फर्स्ट एड तो नहीं। नोटिस करोगे सबके टायर अंदर गड़ रहे हैं, सेक्शन इज हियर। यार ऐसी राइड हमेशा करानी चाहिए इन लोगों को, रोड पर मजा। ओ भाई आराम से, सिस्टम क्या है भाई? क्या है ये भाई, है एल्विस तो भाई है, मौसी का लड़का है। क्या बात कर भाई, भैया सिस्टम में मजाक थोड़ी है, तभी तो मैंने आपको इंस्टा पे भेजा था कि सिस्टम खराब कर रहा। हां वोट करने का भाई साहब पता ही नहीं था। अच्छा हम 2 मिनट का यहां पे ब्रेक ले रहे हैं, बिकॉज़ वो रिकवरी व्हीकल हमारी यहां पर आ रही है। 10 मिनट से सीमेंटेड ट्रैक पहले आ चुके हो? हम लोग तो 10 मिनट बैक ऑन द ट्रैक भाई, मेरी हालत टाइट हो रही है, थोड़ी डाउन ले। अबे यहां तो 40-40 की स्पीड आ रही है। फजल मेरा ना तेरे से क्वेश्चंस भी था, क्वेश्चन ये था कि तू बता दो एक सेकंड बाकी पे आई क्या। फजल मेरे साथ है भाई, हैं फैब्रिक मैंने ली थी फीचर्स की वजह से। क्यों हैं क्यों ली थी यार? 1140p आ रहा है। हाँ
हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ रहे थे, 23.5 की पड़ी थी, तो वैल्यू फॉर मनी लगी बहुत ज़्यादा, तो किया होगा आ गया, बच गया, बच गया। हेलो गोप्रो बाउंस मार दो गिरा ये साथ साथ भैया, मैं रील भी डाल रहा हूँ यहाँ पर और आप सामने ऑब्वियसली देख सकते हैं, गाड़ी भी आ सकती है यहाँ पर, अब तो इतना इजी हो गया। मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ पीछे से, पहले डिफिकल्ट था ये। ओह गया बहुत बढ़िया भाई, मैं तो झाड़ियों में चला गया, कठिन है ना वन साइड, हाँ तो मजे से हो जाएगा। अच्छा गाड़ी में आया, कह रहा था हाँ गाड़ी में भाई, अलग लेवल भाई, अब तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, रोडी के बच्चे जितने भाई होते फंसे का ट्यूबलेस है नहीं इसके पास। भाई साहब क्या हो गया, गियर डाउन करना यहाँ, बीच बीच में मजेदार सी क्लाइम्स आ रही है, 7% की भी आई थी, मजा आ गया करके। अरे ये बड़ी यूनिक चीज लगी, हेलमेट पे क्या लगा हुआ है, स्टिकर खुद से बना के लगाया। अच्छा ये इमरजेंसी मतलब कुछ स्कैन करे तो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया, कभी भी एक्सीडेंट हो जाए लोकेशन पॉइंट भाई, ये तो बहुत इनोवेटिव है। सो आपको शायद पता नहीं होगा, दिस एरिया इज नोन एज असोला, पहले ओपन टू ऑल था, कोई यहाँ आओ कोई कुछ करो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, अब ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब एंट्री लेकर आपको आना पड़ेगा, गाड़ी ना नहीं वो भी ऑप्शन होता है, शायद 500 रुपीज़ की टिकट है, साइकिलिस्ट की हमें 10 रुपीज़ टिकट लगी, एंड इसके बाद अब सारा आप नेचर एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज ये वाइल्ड लाइफ कर दिया इन लोगों ने, एंड सच बता तो अच्छा करा। डाउन हिल प्लस ऑफ रोड नाम नाम का पेलो ऑन राइट, हट जाओ इंसान हो रोडी के बच्चे, बस इतना सा था अबे यार, है रास्ता ये तो ओपन भी है, ताला भी लगा हुआ, हाँ तो ओपन हाँ, लास्ट टाइम हम यहाँ पे गए थे, इनको रेड रस्सी बांध के थोड़ा सिंदूर लगाना चाहिए, कोई नहीं जाएगा नीचे मैं बता रहा हूँ, जयपुर में नहीं किया था थप्पा बेटा वो देख रहा है तेरा सिस्टम कर देगा अच्छे खास, मोमोज कहाँ मिलेंगे यहाँ पर, मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है यार मोमोज मिलना चाहिए, अरे स्विगी कर देना क्या बता, हाँ स्विगी वाला आएगा, अब तो अंदर भी आ सकता है। हाँ जी पकड़ोगे ये गाड़ी, अब ये गाड़ी यहाँ तक लेके आयो, 10 रुपीज पर हेड एंड 10 रुपीज भाई, तो चीटिंग मैंने 500 सुना था पहले, वही तो मैंने भी 500 सुना है, 10-10 रुपए तीनों के, नहीं आते हैं लोग यहाँ पर, 500 रुपए देखे, हाँ वो लग रहा है क्या, वो देखो रास्ता वहाँ सामने, हाँ पहले वही मुझे भी याद है, हमने जब उतरे थे वो तो प्रॉपर बीच टाइप था, ये यमुना बारिश जो ये उसके कारण के हुआ, जैसे वो अच्छा। था ना पानी कोट लेक था जैसे एकदम पतला पतला जहाँ पे मट्टी वट्टी है वैसा ये भी था, ये पहले ज्यादा सुंदर भी था, नीचे तक पहुँचते अच्छा भी लगता था, बीच में इसके प्रेशर है बंदा खींचता है पानी इसका, क्या ऐसे होता है, हाँ। आप हितेश का हेलमेट फेंक दो समझ जाओगे यार, यहाँ से सबसे अच्छा नजारा इस लेक का, वर्थ था गाड़ी लाना यहाँ पर, यहाँ साफ दिख रहे, वो बंदर आया, बंदर आया, बंदर आ गया, हमने टेक ओवर कर लिया वैभव भैया का चैनल, सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो दबा के डालनी चाहिए, कट कर देना, रोल उड़ा रहे हो गोपुर में कुछ बोला है हम लोगों ने, बीट मार के डाल देना, कट कर देना, क्या बोला कट में चलो पीछे होके बैठ जाओ यहाँ पे नीचे बैठ जाओ आराम से, भाई कहाँ लास्ट में रह गया था, इसकी फैट बाइक की चेन उतर गई थी, उतरी फैट बाइक की थी, फ्रेंड ने रिसेंटली अभी मार्ले नेट ली, आपको पता है किसने ली, मैंने हाँ। पहला राइडर देखा है, लोग अपग्रेड करते हैं तेज होते हैं, बंदा धीरे हो गया, क्या बात कर रहा है, पता है वो राइडर कौन है, ये तो ट्रेंड है, ये इसका नाम, अब इनकी फोटो आएगी तो हमारी आई जाएगी, अभी स्टेज पे हम बैठे हैं, यहाँ पे फोटो शूट अभी चल रहा है। अच्छा अभी इन्होंने बताया था कि हाइड्रेशन पैक लो या फिर बॉटल लेके आओ, बिकॉज वो बेटर रहता है क्योंकि काफी राइडर्स यहाँ पे लेके नहीं आए, ये एक रूल होता है साइकिलिंग का, आपके पास बॉटल होल्डर में नहीं है, फ्रेम पे बांध के ले आओ साइकिल बॉटल को, क्या दिखा रहा है इसके बॉटल वोटर देखो, एक चीज अच्छी है यहाँ पे रिफ्रेशमेंट हमें दी गई है, एंड दैट टू हमसे कुछ चार्ज नहीं करा गया, जनरली ऐसे इवेंट्स का चार्ज होता ही है, एक तो पता नहीं क्या मेरे को अपने गारमेंट में इशू आ रहा है भाई, अपना राइट सेव हो जाती है जब भी मैं इसको रखता हूँ, हम वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली नाउ, एंड सब हमें इन्होंने वो दे दिया, प्रोटीन बार भी दे दिया, एनर्जी जेल भी दे दिया, एंड दिस वॉज द राइड आई गेस, यही था हमारा असोला भट्टी की राइड, एपिक मजा आया यहाँ पे स्पेशली बिकॉज ऑफ द रूट, क्योंकि ऑफ रोड था, एंड अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, आपको पूरा रास्ता पता लग जाएगा, यहाँ के जो लिंक होंगे सारा होगा वो मैंने
नीचे वीडियो में देगी। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं गाड़ी ला रहा हूँ, गाड़ी में मजा आएगा। यहाँ पर हाँ पिकनिक टाइम हो जाएगी। पिकनिक हाँ, ये फैमिली के साथ ला सकते हैं। चल चुके ट्यूब है। सो वापसी में धूप तेज है जरूर, लेकिन डाउनहिल की वजह से थोड़ा सा इक्विवेलेंट ही फील हो रहा है। भाई पता नहीं कितने स्लो चलाते हैं ये लोग। ऑन योर मिडल। सो हमारे ग्रुप में एक लड़की है और उसके साथ बहुत बड़े इश्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं वो? जब मैं भगाती हूँ लड़कों से आगे जाती हूँ, वो लोग भी भगाने लगते हैं। साथ चलते जान जान के चलते। भाई ऐसे सच में होता है जो साइकिल में कोई लड़की आती है ऑन तो करवाता, गिर गया बेचारा यहाँ पर। भाई डीजे तोड़ दिया साइकिल का। रुक जा भाई, दो मिनट रुक जा, दो मिनट यहाँ लगा ले। आ जा आगे आ जा, इसके भगाना ले बस। साइकिल का डीजे तोड़ दिया भाई बिहाइंड द सीन्स। भाई क्या कर रहा है भाई? देखो पता नहीं क्या हुआ भाई? देख मैं कॉल पे था। जान के तोड़ा है क्या? सच बता दे यार, आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? देख तुझे पता है। आप बताओ। अच्छा बताओ, मैं ऐसे काम करूंगा? साइक्लिस्ट तो मैं भी हूं। देख मेरे को कैसी बातें पता है। अच्छा ठीक है, इन्फ्लुएंस तेरा भी पता है मुझे, दोस्ती वोस्ती सब पता है मेरे को। चलो ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, तू जान के तो नहीं कह सकता। भैया मैं बाय गॉड बोल रहा हूं, मैं कॉल पे था मॉम के साथ, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं मॉम के साथ कॉल पे, मैं जेन्युइनली पता नहीं चला इसका सॉल्यूशन। अच्छा इसका सॉल्यूशन करो। मैं वो पूछ रहा नहीं भाई, मैं आरटी दे दूंगा। 11 स्पीड है ना? 12 आरटी दे दूंगा उसको। बात कर तुम मैं करके कैसे आऊंगा वहां से? घर ड्रॉप कर देगा? ड्रॉप कर दोगे? कहाँ रहते हो? द्वारका। द्वारका तो यार बिल्कुल उल्टा है। कर दे यार। अरे मेरे बहुत उल्टा है, मेरे को जाना अभी, निकल रहा हूँ मैं। इसको इसको रिपेयर कर, इसको रिपेयर कर देता हूँ मैं इसको। मेरे पास है चलने लायक। हाँ हाँ रिपेयर हो जाएगा, चलने लायक तो हो जाएगा, घर तो पहुँच जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। अंदर बाहर हो रही है भाई, ये बाद में पता लगा कैसेट तक गई इसमें, एक्सीडेंट में गुआ चली गई। और कितनी पुरानी तेरी साइकिल? कितनी पुरानी? एक हफ्ता? कितनी नहीं बोलोगे, हफ्ते वाली साइकिल। एक चीज और करके दिखाऊं, टायर देख, वो अलग वॉबल कर रहा है, और एग्जैक्टली मुझे बता दे सिचुएशन क्या है। धमकी सी एस दे रहा है? और किस बात की धमकी दे रहा है? ये तोड़ने के बाद ये गलत चीज है, और बहुत गलत चीज है यार ये। बताओ अभी एक हफ्ता दो हफ्ते ये ये नहीं करना चाहिए, पहले खुद तोड़ो फिर धमकी दो। देखो उसको ये नहीं पता हमारा सारा सपोर्ट है भाई, तू जीतेगा रेस 100% जीतेगा, कुछ भी कर ले, कितनी साइकिल खराब हो जाए। रुक मैं करता हूँ, ये बटन नहीं है, ये क्या है? ये लॉकआउट है। अच्छा ठीक है, इसका फिर ठीक है। एमफैट हाँ छोड़ दे, हो गया लॉक। सीट वीट तो अपनी लगा लियो, कम्फर्टेबल रहेगा ये देख लियो। अच्छा वहीं पर है, ठीक है। एक बार चला के टेस्ट कर ले एक बार। फिश मम्मी वाली क्या बता रहा था बात? वो कॉल करके मम्मी को भी बोल रहा है क्या, मतलब अब्यूज कर रहे। ये गलत है यार बिल्कुल। और मम्मी को बोल रहा है आपकी जितनी उम्र है आपकी उम्र से ज्यादा मेरे को एक्सपीरियंस है। हाँ ये देखो वो भी बोलता ना अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे कुछ। हाँ बोला क्या बोला था कि अगर इतना महंगा स्पोर्ट है और अगर आपके पार्ट छूट रहे हैं तो आप सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये गलत है, ये गलत बात करिए। अभी लीगली भी होने वाला है, होएगा। अब इसको भगा आराम से मजे से। और बता दियो एवरेज एवरेज का ये तेरी एवरेज वो तो सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड। एक्चुअली हमारी राइड आराम से खत्म हो चुकी थी, हम लोग वहां पर खड़े हुए थे, आधे लोग वहां से जा चुके थे, आधे रुके हुए थे। उसी टाइम एक आवाज आई गाड़ी की साइकिल चढ़ाने के ऊपर, हम देखा साइकिल चढ़ी है और वो भाग गया, गाड़ी लेके भाग गया। हम देखा ये किसी साइकिल, बाद में पता लगा वो हमारी किसी की साइकिल थी, शिवेश की साइकिल थी, वो भाग रहा था। मैं भागा, साथ में मेरा यश था, वो भागा फटाफट गाड़ी के आगे आगे। और मेरे को उस टाइम कैमरा ऑन करना चाहिए था, मैं नहीं कर रहा था, मेरे प्रायोरिटी हुई थी कि मैं गाड़ी वाले को रोकूं। एंड जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया उसी टाइम वो गाड़ी वाला रुक गया, ये इंसिडेंट हुआ। एट दिस पॉइंट उसने प्रॉमिस कर दिया था कि ठीक है मैं आरडी दे दूंगा, आरडी हार्डली मुझे लगता है 4-5 हज़ार रुपए का होगा, एंड मैं इसको रिपेयर कर दूंगा घर जाने के लिए। वो रिपेयर नहीं कर पाया था उस चीज को, उसको शिवेश को मैं अपने घर लेके गया था। एंड उस टाइम हमने ये भी बोला था कि भाई कैब में ले जाए, कैब के चार्जेस दे दे या फिर इसको घर ड्रॉप कर दे, उसने सीधा मना कर दिया। एंड जब हम गाड़ी में वापस जा रहे थे तो शिवेश की मॉम का कॉल आया था उस बंदे के पास कि तुमने साइकिल तोड़ी तो ठीक कर। तो उसने शिवेश की मॉम को ये कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुमको बोला था कि मेरे साथ चलो, लेकिन ये गए नहीं। एंड ऑब्वियसली वीडियो में सब कुछ विजिबल है,
सो ये क्या हुआ, शिवेश ने मुझे बोला कि भैया इस पद की रील डाल दो। मैं उसी टाइम घर पे गया, कॉपी करी सारी फाइल्स, मुझे लगता 3-4 घंटे तक मैंने रील डाल दी थी ये वाली। उसी टाइम का कॉल आता है शिवेश के पास कि साइकिल तोड़ी थी, आप प्लीज वीडियो डाउन कर दो तभी मैं रिपेयर कराऊंगा वरना मैं नहीं कराऊंगा। तो मैंने उसी टाइम वीडियो डाउन कर दी, हार्डली 1 आवर हुआ था, मैंने कहा ठीक है कॉपरेट कर रहा है तो मैं वीडियो डाउन कर देता हूँ। एंड उसके बाद ये वाली कॉल आई जो एग्जैक्टली यहीं पर हुई थी जब मैं एक नया शूट कर रहा था। शूट कर रहा हूँ क्या? शूट कर रहा हूँ भाई। घर पे हो? हाँ हाँ। एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी सब वीडियो पब्लिक कर दो, यश भैया मेरे को, अजित भैया और आप चारों लोगों, चार लोग कोलैब करेंगे। और ये अच्छा अभी मेरा बिहाइंड द सीन शूट चल रहा है, इसमें डाल दो ना क्लिप कॉल की। हाँ बिल्कुल डालो। ठीक है बिल्कुल डालो। ठीक है आप पुलिस कंप्लेंट करा रहे भैया, मम्मी को भी आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। तो भी क्या हुआ, पुराना वीडियो आपने देखा होगा हमारी जो राइड हुई थी वहाँ पे गाड़ी साइकिल के ऊपर चढ़ा दी हमारी, तो उस रीजन से मैंने वो जो शॉट थे वो वापस डाल दिए। एंड अब मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, जो भी एग्जैक्ट सीन होगा आप लोगों को बता दूंगा, तो कमेंट्स में बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में या, लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे लगता है 4 डे है अभी तक साइकिल ठीक नहीं हुई है वो वाली। एंड आपको सुन लिया होगा धमकियां वमकियां चल रही है। एंड इसी रीजन से आपने नोटिस किया होगा मैंने स्टार्टिंग से इसका फेस बना रखा कि भाई इसको ऐसा कुछ गलती ना लगे, ये ठीक करा दे बस साइकिल को, लेकिन मैं वीडियो डिलीट अभी नहीं करूंगा। रीजन ओनली इज दैट कि आप लोगों को सबको पता लगना चाहिए कि क्या इंसिडेंट हुए, किसे कहने पे ये हुए। मैंने भी ये नोटिस किया था कि मेरी साइकिल खुद इसकी गाड़ी के पीछे थी, मैंने उस टाइम हटा ली थी। इसके साथ वाला जो इन्फ्लुएंसर था इससे बात कर रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ प्लानिंग तो चल रही थी पहले से। एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि प्लीज ऐसे नेगेटिविटी से बच के रहिए, कुछ भी ऐसा कुछ ना करिए एंड फेक न्यूज से भी बच के रहिए, बिकॉज कई ऐसे ही लोग होते हैं वो ये बोलते हैं जैसे पॉलीगन ने पैसा नहीं दिया तो ये पॉलीगन की बेइज्जती कर रहा है, बल्कि खुद वही बंदे हैं जो यूनाइटेड के पेज पे जाके बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रांड आ गया इंडिया के अंदर, एंड फिर यूनाइटेड की बेइज्जती करते हैं बिकॉज यूनाइटेड उनका पैसा नहीं देता। एंड जब मैं यूनाइटेड को क्रिटिसाइज करता हूँ कि भैया तुम्हारे पार्ट ऐसे हैं, तो मेरे बारे में ये बोलते हैं कि भैया इसे यूनाइटेड ने पैसा नहीं दिया होगा इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। मतलब सीरियसली एट दिस पॉइंट पे 4 डे है अभी तक साइकिल ठीक नहीं हुई है, आई होप ये चीजें ठीक हो जाए। साइकिल कम्युनिटी बहुत छोटी है यार, हम इंडिया में रहते हैं, सब एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, प्लीज ऐसी चीजें मत किया करो किसी की साइकिल के साथ भी। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपकी कोई भी राइवलरी होती है ना प्लीज उसको सॉर्ट करो, और राइवलरी होती है वो ट्रैक पे दिखाओ कि भगाओ साइकिल जितनी राइवलरी और तेज भगाओ, लेकिन ये मत करो कि किसी की साइकिल का नुकसान कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई नो ये जो सारी चीजें हुई हैं बहुत ही नेगेटिव हुई हमारी साइकिलिंग कम्युनिटी में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड किसी भी नेगेटिव चीज को हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, सब एक दूसरे की हेल्प करो, साइकिलिंग करो। एंड सच बताओ ना ऐसी चीजें गलत चीजें बिल्कुल मत करो किसी का नुकसान करना एवरीथिंग। अभी तो सिचुएशन फिर भी थोड़ी सी कंट्रोल्ड है कि भाई सबके सामने ही हुआ है या अकेले में होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना इस वीडियो का कि क्या एग्जैक्टली अपडेट है। अभी 4 डे में मैं शूट कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे पास कोई अपडेट आया नहीं है।